Hello everyone, this is CA Keval Mota and today we are going to start with a new topic, that is valuation of imported goods and valuation of export goods. ठीक है, ये topics हम लोग start करने वाले आज. This is very important topic from your exam perspective. इसके ऊपर question ना आए और IDT का paper बने ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, so valuation is a very important aspect of your exam paper. So valuation का जो chapter है वो relevant क्यों, पहले वो समझते हैं. माना marks ज्यादा वेटेज है, ठीक है, वो रिलेवेंट तो ही, बट उसके अलावा क्या रिलेवेंस है एज फार एज कस्टम्स एक्ट इज कंसर्न्ड. अब वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को उस वैल्यू पर ड्यूटी चार्ज करनी है. ठीक है, मान के चलो अगर मैं कहूँ कि ये बॉटल का प्राइस 10 रुपया है, सो 10 रुपए के ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी. सो वी हैव टू अराइव एट सच वैल्यू ऑन विच ड्यूटी इज टू बी चार्ज. ठीक है, सो दैट वैल्यू इज arriving as per this particular rules and this particular section. Section number 14. ठीक है, section number 14 of Customs Act and rules कुछ है यहाँ पर. ठीक है, valuation rules हम इसको कह सकते हैं, तो custom valuation rules 2007. अब ये rules में 3 to 9 rules हैं, सारे के सारे पढ़ेंगे, and exports में भी ऐसे rules हैं, वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, so imported goods का valuation के लिए भी rules हैं एंड एक्सपोर्ट गुड्स के वैल्यूएशन के लिए भी रूल्स है. ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स है, दोनों ही अपने को देखना है. इज दैट क्लियर? एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज एग्जामिनर्स फेवरेट पार्ट इज रूल नंबर 10. रूल नंबर 10 के जो एडिशन है, इंपोर्टेड गुड्स की बात कर रहा हूँ, रूल नंबर 10 के जो एडिशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग को रूल नंबर 10 के एडिशन बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक एक पॉइंट with analysis, with logic and with intent of law आपको बताया जाएगा. ठीक है, so let us start. अब यहाँ पर एक चीज समझना, पहले तो valuation हम लोग किस किस का करते हैं. सबसे पहले किसका करेंगे हम, imported goods का. imported goods मैंने आप लोग से first lecture में discussion किया था, हम लोग customs में हमेशा imported goods and export goods ऐसी बातें करेंगे. ठीक है, तो यहां पर इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन का बात चल रहा है, एंड उसके बाद कौन सा बात चलेगा, एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यूएशन. ठीक है, सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन स्ट्रेट अवे. आपके सामने स्क्रीन है, जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है, दैट पीडीएफ आई एम गोइंग टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड इट. क्योंकि ये मेरे मेन बुक का चैप्टर्स है, आई एम शेयरिंग इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से. चलो, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. जो गुड्स आप लोग आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लेकर के आ रहे हो, ठीक है, उस गुड्स के ऊपर अपने को ड्यूटी चार्ज करनी. ऑब्वियसली फर्स्ट शेड्यूल जो होता है कस्टम डायरेक्ट का, फर्स्ट शेड्यूल उसमें लिखा हुआ है कि ये रेट ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए. अब रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, इट इज एड वैलोरम. क्या बोलते हैं अपने इसको, एड वैलोरम. मतलब एड वैलोरम कभी सुना है क्या वर्ड? एड वैलोरम मीन्स ऑन वैल्यू. एड वैलोरम मीन्स ऑन वैल्यू. कोई एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू के ऊपर ड्यूटी चार्ज किया जाएगा. समझ में आई बात? उसको हम कहते हैं एड वैलोरम. एक सेकंड, में थोड़ा पेन का साइज छोटा कर देता हूं. ओके, सो एड वैलोरम. एड वैलोरम मतलब कोई एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी का कैलकुलेशन होगा. बीसीडी, एसडब्ल्यूएस. देखो, एसडब्ल्यूएस वैल्यू के ऊपर नहीं लगता, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया. एसडब्ल्यूएस इज कैलकुलेटेड ऑन बीसीडी एंड बीसीडी इज कैलकुलेटेड ऑन असेसेबल वैल्यू. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कंप्यूट असेसेबल वैल्यू. असेसेबल वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है ये हम देखेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, सो सबसे पहला प्रोविजन आपके सामने आ रहा है वो सेक्शन नंबर 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट. सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 1, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्टेड गुड्स. मतलब चाहे एक्सपोर्ट गुड्स हो चाहे इंपोर्टेड गुड्स हो, सबके लिए वैल्यू क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो हम लोग अब नीचे देखेंगे. फॉर इंपोर्टेड गुड्स, फॉर इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ट्रांजेक्शन वैल्यू, एक आपको बेसिक मीनिंग बताता हूँ ट्रांजेक्शन वैल्यू का. मान के चलो कि कोई दुबई में सप्लायर है,
ठीक है, मैं इंडिया का इंपोर्टर हूं, ठीक है, हाउ मच इंपोर्टर इज गोइंग टू पे टू दुबई पार्टी, ठीक है, जो मेरा सेलर है उसको मैं जितना पे कर रहा हूं, पेड और पेएबल, व्हेन द प्राइस इज ओनली द सोल कंसिडरेशन एंड वी बोथ आर अनरिलेटेड. अगर ये दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, देन ट्रांजेक्शन वैल्यू इज अडॉप्टेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्लियर है? अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई का वर्ड यूज नहीं होता है, यहाँ पर असेसेबल वैल्यू का वर्ड यूज होता है. ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, असेसेबल वैल्यू. ओके, एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट का एनालिसिस करेंगे फिर. ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स प्राइस एट विच सच और लाइक गुड्स आर ऑर्डिनरली सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल. मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू पर ऐसे गुड्स नॉर्मली सेल होते हैं, जिस वैल्यू पर ऐसे गुड्स नॉर्मली सेल होते हैं. ओके, और ऑफर्ड फॉर सेल, समझ में ही बात. फॉर फॉर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5, यहां से लेकर के यहां तक एक स्टेटमेंट है पूरा. प्राइस एट विच सच गुड्स आर सोल्ड इन ऑर्डिनरी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन सेलर एंड बायर हैव नो इंटरेस्ट एंड ऑल दिस. मतलब ये पूरा स्टेटमेंट है उसको मैंने तोड़ दिया, उसको मेरे को एक्सप्लेन करना है, इसके लिए मैंने ब्रेक किया. ठीक है, चलो पहला पॉइंट समझा. प्राइस एट विच सच और लाइक गुड्स आर सोल्ड ऑर्डिनरीली और ऑफर्ड फॉर सेल. नॉर्मली क्या प्राइस पर ये गुड्स ऑफर होंगे सेल करने के लिए फॉर डिलीवरी एट टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. मतलब कहां का प्राइस देखना है अपने को, कहां का प्राइस देखना है, क्या दुबई की मार्केट का प्राइस देखेंगे या इंडिया में डोमेस्टिकली सेल हो रहा है वो देखेंगे या इंपोर्ट के टाइम पर जो वैल्यू होगी वो देखेंगे. आंसर इज इंपोर्ट के टाइम की वैल्यू देखेंगे. एक बार इस पेज पे आ जाओ. हाँ, अब यहां पर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दो. ये इंडिया है, ये मान के चलो दुबई है. दिस इज दुबई, दिस इज इंडिया. क्लियर है? यहां पर वर्डिंग्स क्या लिखी थी, वर्डिंग्स क्या थी पढ़ो. फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब जब गुड्स यहां से यहां तक आने वाले हैं तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. देखो प्राइजेस किधर किधर की होंगी सुनना. सबसे पहले ही प्राइस यहां पर, उसके भी पहले यहां पर पकड़ के चलो यहां पर. सो सपोजिंगली ये इधर दुबई में फैक्ट्री है, मेरे सप्लायर का फैक्ट्री यहां पर. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्स फैक्ट्री प्राइस. इसको हम क्या कहते हैं, एक्स फैक्ट्री प्राइस. मतलब अगर इंडिया वाला पर्सन इधर से गुड्स उठाएगा तो एक्स फैक्ट्री प्राइस पर उसको गुड्स मिलेंगे. इज दैट क्लियर? अब ये एक्स फैक्ट्री के जो गुड्स हैं वो दुबई वाला क्या करता है, ये पोर्ट पर लेके जाएगा. दुबई के पोर्ट से आएंगे ना, यहाँ पर पूरा पानी है, बरोबर है? तो यहाँ पर पोर्ट पर आ जाएंगे. सो दुबई के पोर्ट पर जो इस गुड्स की वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू. क्या कहते हैं इसको, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, FOB वैल्यू. ठीक है, अब यहां पर कुछ एडिशंस होंगे, फ्रेट होगा, इंश्योरेंस होगा, ये सारी चीजें यहां पर ऐड होंगी इस पानी के दरमियान. ये फ्रेट, ये इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस. ठीक है, तो ये पूरा ऐड होगा एंड इंडिया के पोर्ट पर गुड्स आएंगे. ठीक है, सो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इज नथिंग बट इंडिया. तो यहां पर इसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. ठीक है, सो हमको कौन से वैल्यू से ताल्लुक है, which value is very much relevant for us, whether x factory price or FOB value or value at the place of importation. Bolo, yahan par padho kya likha hua hai, at the place of importation. Matlab mujhe is value se concerned hai, is value se. Matlab x factory price okay mere liye consideration ke liye nahi hai, FOB value mere liye iska koi use nahi hai, I do not have use for this particular value, I am only concerned with the value as on place of importation. ठीक है, so this is popularly called as CIF value or you can say assessable value. Is that clear? So answer my question, customs duty would be charged on the transaction value, okay, as on the date of importation and at the place of importation. मतलब जो place of importation है India, यहां पर ये वैल्यू जो भी होगी इस गुड्स की उसके ऊपर चार्ज होगा बीसीडी, बीसीडी के ऊपर चार्ज होगा एसडब्ल्यूएस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. समझ में आया? सो दिस वैल्यू इज रिलेवेंट फॉर अस. आगे पढ़ते हैं.
इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब प्राइस कौन सी देखनी थी? इंटरनेशनल ट्रेड की प्राइस. वी आर नॉट कंसर्न विद व्हाट वैल्यू दिस दुबई सप्लायर इज गेटिंग फॉर ट्रांजेक्शन इन दुबई. ये वैल्यू से मुझे कुछ नहीं करना है. मुझे ये भी वैल्यू से कुछ नहीं करना है कि ये इंडिया में अगर बिकेंगे तो क्या वैल्यू पर बिकेंगे. इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं. मुझे किससे लेना देना है? इंटरनेशनल प्राइस. दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल प्राइस. ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल मार्केट. सो इंटरनेशनल मार्केट में इस गुड्स का वैल्यू क्या है? दैट इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर मी. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. व्हेन सेलर एंड बायर हैव नो इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ ईच अदर. मतलब ये सेलर जो है ना दुबई का, ये दुबई का सेलर है एंड ये इंडिया का बायर है. ओके, सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेटेड पार्टी का नहीं होना चाहिए. इफ दिस इज द रिलेटेड पार्टीज देन द ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज टेकन बाय यू वुड बी रिजेक्टेड. जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आपने ली है वो रिजेक्ट हो जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. ओके, सो ट्रांजेक्शन वैल्यू कब अडॉप्ट करेंगे? जब पार्टीज आर अनरिलेटेड. When the supplier of Dubai and Indian, they both are unrelated and price is the sole consideration. आगे देखेंगे, price is the sole consideration. मतलब price के अलावा और कुछ भी नहीं जा रहा. ऐसा नहीं कि ये goods यहाँ पर भेजेंगे and India वाला उसको भी कुछ goods भेजेगा. ऐसा नहीं. ठीक है, अगर ऐसी कुछ चीजें हैं कि free में कुछ India वाले ने material भेज दिया, ऐसा कुछ भी है, तो वो सब चीजें हम add करेंगे as per rule number 10. Is that clear? So How to derive this value? सबसे पहले सेक्शन नंबर 14 ने चार्ज लिया. सेक्शन नंबर 14 ने बोला कि मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू. ओके, फिर आएगा रूल नंबर 3. आगे देखेंगे. रूल नंबर 3 बोलता है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू शुड बी अडॉप्टेड. ओके, ट्रांजेक्शन वैल्यू शुड बी अडॉप्टेड सब्जेक्ट टू एडिशंस इन रूल नंबर 10. मतलब रूल नंबर 10 में कुछ एडिशंस होंगे, वो एडिशन आपको करने पड़ेंगे, तो वो होगा आपका फाइनल असेसेबल वैल्यू. और पूरा कंपटीशन का फॉर्मेट जो है वो हम देखेंगे. समझ में आई बात? सो सेक्शन 14 रेड विथ रूल 3 रेड विथ रूल 10 वुड गिव यू द वैल्यू दैट इज ऑन विच द बीसीडी हैज टू बी चार्ज. इसको हम कहते हैं असेसेबल वैल्यू और सीआईएफ वैल्यू. सीआईएफ मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. अब यहां पर जब पानी में गुड्स आएंगे अपने, तो यहां पर इंश्योरेंस अपने को लेना पड़ेगा. ओके, देन फ्रेट होगा. ये सबको कैसे कैलकुलेट करना है सब देखेंगे. ठीक है ना, अभी का और डिस्कशन नहीं. सो ऑल दिस वुड बी एडेड एंड इट वुड बी ब्रॉट एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. सबको ऐड करेंगे एंड हम लोग प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का वैल्यू अराइव करेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये दुबई वाला पर्सन मुझे धीरम में बिलिंग कर रहा है. सुनना ध्यान से, धीरम इज द करेंसी ऑफ दुबई. दुबई का करेंसी क्या है? धीरम करेंसी. अब धीरम में अगर मेरा वैल्यू है उसको अपने को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना इंडियन रुपीस में. सो कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं इंपोर्टेड गुड्स का कन्वर्जन कैसे होगा. आंसर इज द रेट ऑफ एक्सचेंज एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री. आई होप इट इज क्लियर. समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? जब भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, ओके, बिल ऑफ एंट्री के दिन पर जो रेट रहेगा रेट ऑफ एक्सचेंज. ओके, सो दैट रेट वुड बी कंसीडर फॉर कन्वर्जन. अब आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर हम लोग क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन कराते हैं एंड अगर हम वेयरहाउस में डिपॉजिट करते हैं तब रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? चलिए वो भी देख लेते हैं. अब मान के चलो गुड्स इम्पोर्ट हो गए इंडिया में. ओके, अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है. एक तो ये पोर्ट बेस है, मैं डायरेक्टली घर पे लेके जाऊंगा. इसको हम कहते हैं गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. क्लियर है? या तो फिर मैं इसको वेयरहाउस में डाल दूंगा. क्या करूंगा? इसको वेयरहाउस में डालूंगा. ओके, सो अगर वेयरहाउस में डालूंगा तो मैं यहां पर क्या लेता हूँ, क्या फाइल करता हूँ बिल ऑफ एंट्री? इन टू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री. इज दैट क्लियर? एंड यहां पर क्या फाइल करता हूँ? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन. ओके, सो इफ माई गुड्स आर कमिंग एट, फॉर एग्जाम्पल, इसका असेसेबल वैल्यू डिटरमाइन हो गया से 50,000 दिरहम. ओके, अब अपने को क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है. कन्वर्जन के लिए कुछ आपको रेट्स दिए हुए हैं अलग अलग. सुना ध्यान से. सबसे पहला रेट दिया हुआ है सीबीआईसी रेट. दूसरा रेट दिया है आरबीआई रेट. ओके, कौन से डेट्स का दिया है? पहले दिया बिल ऑफ एंट्री का डेट,
देन दिया है एंट्री इनवर्ड्स का डेट, ठीक है, और भी कुछ अगर अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स दिखेंगे उन लोगों को, मतलब इवेंट्स नॉट टैक्सेबल इवेंट, इवेंट तो उसका भी दिया हुआ। अब आपको कौन सा लेना है वो हम चेक कर। सबसे पहली चीज आपको सीबीआईसी रेट ही लेना है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सी आरबीआई रेट, ठीक है, आरबीआई रेट नहीं देखना है आपको, सीबीआईसी रेट देखना है। सीबीआईसी रेट इज अनाउंस्ड बाय सीबीआईसी ऑन द 25th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मतलब आने वाले पूरे महीने के लिए 25th को जो रेट आएगा वो पूरे महीने के लिए लगेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज मूविंग एवरेज रेट, मतलब वो लोग अपने हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, अपने को उसका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सीबीआईसी रेट दिया रहेगा, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री के दिन पर रेट था फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए, एंट्री इनवर्ड्स के टाइम पर रेट था 19 रुपीज, ओके, सो विच रेट यू विल टेक, बिल ऑफ एंट्री रेट और एंट्री इनवर्ड्स रेट? आंसर इज बिल ऑफ एंट्री रेट। बिल ऑफ एंट्री के दिन पर, बिल ऑफ एंट्री के दिन पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा वो लेना है, पर रेट ऑफ ड्यूटी के लिए बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर, रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए ओनली बिल ऑफ एंट्री। आई होप इट इज क्लियर, वापस रिपीट कर रहा हूँ, रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी, अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ ड्यूटी वॉज 10% ऑन बिल ऑफ एंट्री रेट एंड 12% ऑन एंट्री इनवर्ड डेट, तो यहां पर तुम लोग क्या करोगे, विच एवर इज लेटर, सो मान के चलो लेटर है एंट्री इनवर्ड्स, आपने एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, तो यहां पर 12% आएगा, एंड 12% आएगा, ये अपना क्या है, रेट ऑफ ड्यूटी, नॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन होगा, बिल ऑफ एंट्री, कुछ भी कर लो बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, भले ही विच एवर इज लेटर में एंट्री नॉट लेटर है, पर बिल ऑफ एंट्री के दिन का सीबीआईसी रेट वुड बी द वैल्यू एट विच यू हैव टू कन्वर्ट, ठीक है, सो 20 रुपए पे कन्वर्ट होगा इंटू 20, 50,000 इंटू 20, 10 लाख रुपीज। आई होप इट इज क्लियर, 10 लाख के ऊपर लगेगा 12% ड्यूटी, समझ में आई बात, ओके। अब हम बात करते हैं वेयरहाउसिंग गुड्स के। अब वेयरहाउसिंग के केस में रेट ऑफ ड्यूटी हम लोग कौन सा लेते हैं, रेट ऑफ ड्यूटी कैन आई से एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, रेट ऑफ ड्यूटी बोल रहा हूँ, रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, यस और नो, बट रेट ऑफ एक्सचेंज वी विल बी टेकिंग ऑफ इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इन बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं इसको, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है वेयरहाउस में जब डिपॉजिट किया उस दिन का जो बिल ऑफ एंट्री हमने फाइल किया था, बिल ऑफ एंट्री दैट इज इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, दैट पर्टिकुलर डेट वुड बी टेकन फॉर करेंसी वैल्यूएशन, ठीक है, मतलब एक्सचेंज करने के लिए हम अपने को कौन सा लेना है, इनटू बॉन्ड, पर रेट ऑफ ड्यूटी होगा कौन से रेट का, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का, समझ में आई बात। एक ब्रीफ यहां पर चार्ट बना के दे रहा हूं, पहले रेट ऑफ ड्यूटी लिखते हैं, ओके, नॉर्मल एंड वेयरहाउस, ये तो अपन ने ऑलरेडी सीख लिया, नॉर्मल में बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर, वेयरहाउस में फिक्स कौन सा, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, रेट ऑफ ड्यूटी था। अब रेट ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें, रेट ऑफ एक्सचेंज इन नॉर्मल केस, इन नॉर्मल केस, इन वेयरहाउस केस, ओके, एंड वी आर टॉकिंग ऑल दिस फॉर इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट्स की बातें चल रही है, सो नॉर्मल के केस में अपने को लेना है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, क्लियर, एंड वेयरहाउस के केस में अपने को लेना है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का एक्सचेंज रेट, ठीक है, मतलब रुपी पर डॉलर जो वो रेट है ना उसकी बात कर रहा हूँ, एंड ये वाला है 10%, 12%, व्हाटएवर दिस, इज दैट क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।